बता दें, इस पूरे सिलसिले को लेकर टंकी पर चढ़े छात्रों से बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीना ने बातचीत भी की, तो वहीं टंकी पर चढ़कर किरोड़ी लाल ने धरना खत्म करा दिया है। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर यहां दो युवक चढ़े थे, जो जिन्होंने कहा था कि वो तब तक इस टंकी से नहीं उतरेंगे जब तक सीएम भजनलाल शर्मा से उनके जानने वालों की बातचीत ना हो, इससे जुड़ा एक आधिकारिक लेटर ना आ जाए। तो वहीं आपको बता दें कि दो दिन से चढ़े हुए ये युवकों का धरना अब समाप्त हो गया है। पानी की टंकी से समझाइश कर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीना ने उनका धरना खत्म कराया है। बता दें, बतौर किरोड़ी लाल मीना बीजेपी नेता हैं, टंकी पर चढ़कर इस धरने को खत्म कराते हुए दिखे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग यहां पर थी, जिसके चलते दो युवक यहां टंकी पर चढ़े थे। तो वहीं इससे पहले भी पुलिस तमाम कोशिशें समझाइश की कर चुकी थी, लेकिन ये दोनों युवक नहीं माने। तो वहीं इसके बाद टंकी पर चढ़े छात्रों से बीजेपी नेता ने बात करी। टंकी पर चढ़कर बतौर किरोड़ी लाल मीना ने ये धरना खत्म कराया है। तो वहीं एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर यहां पर ये दो युवक टंकी पर चढ़े थे। तो बता दें कि जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर ये दो दिन से पानी की टंकी पर ये युवक चढ़े हुए थे, जिनका अब धरना खत्म करा दिया गया है। जहां मंत्री किरोड़ी लाल मीना के समझाने के बाद दोनों युवक उनके साथ नीचे उतर गए। दरअसल जयपुर के हिम्मतनगर की पानी की टंकी पर रविवार को दो युवक चढ़ गए थे और उन्होंने टंकी पर एसआई भर्ती रद्द करने की मांग और साथ में अन्य मुद्दों को लेकर बैनर भी लगाया था। तो वहीं दो दिन तक प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद भी वो नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे मंत्री किरोड़ी लाल मीना छात्रों से बात करने पहुंचे। पहले उन्होंने नीचे से ही माइक के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश की। उसके बाद वे करीब 1 बजे युवकों से बात करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े। करीब 20 मिनट तक उन्होंने युवकों से समझाइश की और उसके बाद उन्हें नीचे लेकर पहुंचे। तो यहां पर सफल समझाइश रही बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीना की, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से भी बचा है। साथ में समझाइश कर ली गई है, जहां दो दिन से पानी की टंकी पर चढ़े युवकों को नीचे उतार लिया गया है। तो बता दें कि इससे पहले भी तमाम अधिकारी और पुलिस पूरी समझाइश की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन ये दो युवक पानी की टंकी से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। तो वहीं आज किरोड़ी लाल मीना ने पहुंचकर समझाइश की है, पता सफल समझाइश की। तो आपको बड़ी खबर आप बता रहे हैं, जहां जयपुर से एक मामला सामने आया था, जहां दो युवक करीब दो दिन से पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। तो तमाम समझाइश के बावजूद भी दोनों युवकों ने नीचे आने का नाम नहीं लिया, जहां पर आज बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीना ने समझाइश कर यहां उन्हें टंकी से नीचे